तो हमें ना समर्स में हमारे स्किन का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो क्या करें, सब लोग सोच रहे होंगे क्या करें ऐसा हमारा सनबर्न ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु आपको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। होप सब लोग ठीक होंगे। तो एक्चुअली आप लोग थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज एक स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, वो भी समर सीजन के लिए। क्योंकि बहुत सारा अभी क्वेरी होगी ना कि हम समर में क्या यूज़ करेंगे अपने स्किन के लिए, क्या नहीं यूज़ करेंगे, कौन सा केमिकल फ्री होगा और कौन सा हमारे स्किन को सूट करेगा। सब अलग अलग स्किन होता है, कौन सा क्या कैसे कैसे यूज़ करना। मैं क्या स्किन केयर अपने स्किन के लिए करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा अपने स्किन के लिए, ना कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ आपको वही करना चाहिए। थोड़ा बहुत किसी को देख के ओपिनियन तो मिल जाती है। मैं भी जज करती हूँ, मतलब जज नहीं, मैं भी फॉलो करती हूँ किसी को देख के कि हाँ किसका स्किन कैसा है, क्या है, तो मेरे स्किन में कैसे सूट करेगा क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत ओपिनियन सबसे मिल जाती है सब लोगों को। तो चलिए मैं अपना स्किन केयर रूटीन आगे शेयर करी, मैं आपको दिखा रही हूँ। और नाइट में हमें क्या करना चाहिए, डे में हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपको छोटा सा एक वीडियो शेयर किया है, तो आप लोग देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं फेस वॉश कर ली हूँ। यहाँ पे हम नाइट का बता रही हूँ मैं आपको। डे का जो डस्ट वस्ट लगा होगा फेस पे, उसके बाद थोड़ा कुछ क्लीन करने के बाद हम अपने फेस पे एलोवेरा जेल में थोड़ा सा हल्का सा मसाज करके हमें सोना चाहिए। तो ओरिजिनल एलोवेरा जो पौधे होते हैं, पौधे को काट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए भी। एंड कोई कंपनी का भी आपके पास अगर कोई रेडीमेड आप खरीदे होंगे उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा कूल प्रोवाइड करता है और अच्छा रहता है। हमारा पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है। उसके बाद हमें लिप बाम लगा के सो जाना है। एंड नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, डे में क्या करना है, मतलब वॉश अपने फेस कर लिया मैंने भी, वही बायोटिक करके आपने जो देखा कॉफ़ी एनर्जाइजिंग फेस वॉश, उसमें फेस वॉश करके लाखमे का ये टोनर मैंने अप्लाई किया है, टी ट्रीट का, जो कि टोनर कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, रोज वाटर कर सकते हो, और राइस का वाटर भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम सनस्क्रीन लोशन लगा रहे हैं, ये है लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 50 है ये, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ये मैं समर में यही यूज़ करती हूँ और कोई भी नहीं करती। अगर कुछ भी मैं अगला के यूज़ करती हूँ जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इसको अच्छे से अपने फेस पे लगाने के बाद, बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, एक्स्ट्रा जो बचेगा अपने हाथ पे लगा लीजिएगा, नेक पे लगा लीजिएगा, क्योंकि वो भी ओपन रहते हैं तो सनबर्न उनमें होने का भी चांसेस रहता है। उसके बाद ये है सेम लैक्मे का कॉम्पैक्ट, क्योंकि अगर हम बाहर जा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं तो तब भी ठीक है, क्रीम लगा लिया, कॉम्पैक्ट लगा लिया बस, और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल वगैरह हो तो भी आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखेगा स्किन। उसके बाद आप लिप बाम लगा लो, क्योंकि अब यहाँ पे स्किन केयर का दिखा रही हूँ, सॉरी, और कोई मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी। उसके बाद बस आप अपने हेयर को क्लिप ऑन करके आप कहीं बाहर जा सकते हो, क्योंकि हेयर को अलग रखेंगे तो फिर डस्ट वस्ट का भी वो बहुत दिक्कत रहती है, हेयर डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में बताना, और कोई नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तब भी बताना। तो ये था मेरा स्किन केयर, और आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लिए हैं। थोड़ा बहुत आपको मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको ओपिनियन मिला होगा या तो सजेशन छोटा सा मिला होगा। तो ये आप डेली फॉलो कर सकते हैं, और आगे क्या समर में आप फेस पैक यूज़ करना है या कुछ ब्लीच करना है, वो भी होममेड तरीके से, मैं आपको आगे आगे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और समर रिलेटेड अभी क्वेरीज होंगे तो उसी अकॉर्डिंगली वीडियोज़ आएंगे, तो आगे भी वो शेयर कर लीजिए। डेली हमें क्या करना, फेशियल तो करनी नहीं है, ब्लीच तो करनी नहीं है, तो वीकली एक बार करनी है, मतलब फेस पैक लगाना है, ब्लीच अगर आपको करनी है होममेड तरीके से वीकली कर सकते हो, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है। मैं आगे आगे वीडियो में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।